सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो गई हैं और वहीं पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे कर दी हैं। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने ये कह के सनसनी पैदा कर दी कि अब पार्टी को किसी के साथ भी गठबंधन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और बसपा सिर्फ अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जैसे ही चुनाव आयुक्त ने हरी झंडी दिखाई, वहीं पे बसपा पूरी तरीके से तैयारी से नजर आई और सतीश चंद्र मिश्रा ने हरियाणा के एक कार्यक्रम में ये कहते हुए भी मोदी के ऊपर तंज कसा कि देश के अंदर हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, नोटबंदी, GST और चालानों जैसे बड़े मुद्दों को लेके सरकार इस वक्त घेरे में है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को अच्छे परिणाम नहीं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बहुत सराहनीय नहीं है, सारी जनता देश की जानती है, और इसका परिणाम और इसका रिजल्ट बसपा के खेमे में आ सकता है और बसपा को कहीं ज्यादा फायदा मिल सकता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी का कार्य है, कार्यशैली है, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं की जा रही है। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए भी कहा कि कांग्रेस का वास्तव खत्म हो गया है, कांग्रेस का जनाधार नहीं रहा है और अब बसपा को काफी हद तक अच्छी पारी खेलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो कार्य करे थे वो जनता को प्रलोभन देकर करे थे और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो काला धन वापस लाना हो, जैसे मुद्दे पे सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को भी घेरा। सत्ता के आने के बाद बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं करा है और बसपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, ये कहना था सतीश चंद्र मिश्रा का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।